हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं फ्रेंड आप सब? ठीक होंगे, घर में होंगे, सेफ होंगे। ये मैं आकांक्षा, मेरे चैनल का नाम है माँ बेटी ब्लॉग्स। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको वैक्सीनेशन के बारे में बताऊंगी कि 0 से 6 माह के बच्चों को कौन कौन सी वैक्सीन दी जाती हैं। जिस दिन बच्चे का जन्म होता है उसी दिन उसे वैक्सीन दी जाती है। ये वैक्सीन बच्चे को 1 या 2 दिन बाद ही दे सकते हैं। कुछ हॉस्पिटल्स इसे 1 या 2 दिन बाद ही देते हैं। मेरी बेटी को भी यह वैक्सीन उसके जन्म के अगले दिन ही दी गई थी। सबसे पहले बच्चे को BCG प्लस हेपेटाइटिस बी प्लस OPV का टीका लगता है। यह BCG बच्चे को TB जैसी खतरनाक रोग से बचाता है। हेपेटाइटिस बी बच्चे को काले पीलिए जैसी गंभीर बीमारियों से बचाता है। OPV में ओरल पोलियो वैक्सीन ये बच्चे को ड्रॉप फॉर्म में दी जाती है। इसकी बच्चे को 2 ड्रॉप पिलाई जाती हैं। उसके बाद अगला टीका बच्चे को 1.5 माह में लगता है। 1.5 माह में बच्चे को पेंटावैक दी जाती है, जिसमें DPT प्लस हेपेटाइटिस बी प्लस HIB जैसी बीमारियों के टीके लगते हैं। DPT डिप्थेरिया पर्टियोसिस काली खांसी टेटनेस हेपेटाइटिस बी HIB हेमो प्लस इन्फ्लुएंजा जैसी गंभीर बीमारियों के टीके लगते हैं। ये टीके पहले तो अलग अलग दिए जाते थे, लेकिन अब बच्चों को कंबाइंड ही दिए जाते हैं। उसके बाद अगला टीका बच्चे को 2.5 माह में लगता है। 2.5 माह में बच्चे को पेंटा 2 दिए जाते हैं। पेंटा 2 में DPT प्लस हेपेटाइटिस बी प्लस HIB जैसी बीमारियों के टीके लगते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टीका 3.5 माह में दिया जाता है। 3.5 माह में पेंटा 3 लगता है, जिसमें DPT प्लस हेपेटाइटिस बी प्लस HIB का टीका लगता है। इन तीनों टीकों के साथ बच्चों को OPV भी दी जाती है, ओरल पोलियो वैक्सीन भी दी जाती है। टीके बच्चों के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। टीके बच्चों को बेहद ही गंभीर बीमारियों से बचाते हैं। टीका लगना बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद अगली वैक्सीन बच्चों को 6 माह में दी जाती है। 6 माह में बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाती है। उसके बाद अगर आप बच्चे को पोलियो की दवा के साथ पोलियो वैक्सीन भी लगवा सकते हैं, IVP इंजेक्टिव पोलियो वैक्सीन। ये बच्चों को इंजेक्शन लगाया जाता है। बच्चे को 1.5 माह और 2.5 माह में बच्चे को ये इंजेक्शन लगता है। आप सोच रहे होंगे कि दवाई भी पिलाएं और इंजेक्शन भी लगवाएं, तो इससे कोई ख़तरा नहीं है बच्चे को। इसका ओवरडोज भी बच्चे के लिए ख़तरनाक नहीं होता है। तो प्लीज़ फ्रेंड, अगर आपको मेरी आज की जानकारी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू फ्रेंड, बाय बाय।